वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से पहले हम लोग जुल्फकार साहब के सवाल को लेके जो है वो बात कर रहे थे। 89 डेज का सर आपने बताया कि डेली वेजेस का पीरियड होता है, इसके बाद भी क्यों इस तरह से किया जाता है कि अक्सर देखा है कि दो दो साल तक डिपार्टमेंटल लेवल पे जो है वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे दी जाती है। दो दो साल तक तो मेरे अपने कुछ ऐसे मतलब जो लोग हैं जिनसे मेरी कुछ है शनासाई कि वो दो दो साल से डेली वेजेस पे मौजूद हैं और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लिए जा रहे हैं। लेकिन वो चूँकि रेमेडी अवेल नहीं करते, वो डरते हैं बेचारे। उसको ये होता है कि मुझे चलें कुछ तो मिल रहा है, छोटी मोटी तनख्वाह मिल रही, मैं इससे भी ना चला जाऊं, साहब नाराज ना हो जाए। तो वो अपने राइट के लिए कोर्ट में जाना जो है ये वैसे भी आसान काम नहीं है। जितनी उसकी वो डेली वेजेस में बेचारे को 3-4 महीने की तनख्वाह मिलनी है वो उसने वकील को दे देनी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो बहुत जगहों पर बेइंसाफी इस वजह से है कि इंसाफ जो है वो महंगा हो गया और इंसाफ रेडीली अवेलेबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में काफ़ी मुश्किलात हैं, लोग परेशानी में हैं और इसका कोई हल जो है वो निकलना चाहिए। और इनफॉर्मल ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो काफ़ी इसमें बेहतरी कर सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल ट्रिब्यूनल्स अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में अब आपस में कोई बात नहीं करता। मीडिएशन कहाँ से होगी उस तरह के? जी बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने जी। यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल ड्रॉप हो गई है जी कॉल। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा पर्सनली जो है, आज हमारे साथ लकीली आप हमारे साथ मौजूद हैं। मेंटेनेंस के मुतालिक हम बात करते हैं। नान नुफका के लिए दो रेमेडीज़ हम देखते हैं कि एक तो आप कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं, दूसरा सेक्शन 9 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में कि जो आप यूनियन काउंसिल के थ्रू एक मेंटेनेंस के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए डिसीजन ले लेते हैं, सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। उसमें एक चीज़ तो ये भी लिखी गई है कि मे इन एडिशन टू एनी अदर रेमेडी द फीमेल कैन अवेल दिस रेमेडी, तो पैरेलल चल सकती है ये रेमेडी भी। इसकी इन्फोर्समेंट क्या है, इसकी एग्जीक्यूशन क्या है, क्या इनके दिए गए फैसलों की कोई वक्त है, क्या इनके दिए गए फैसलों को वाकई अगर वो पे नहीं किया जाता मेंटेनेंस, अगर यूनियन काउंसिल ने फैसला दे भी दिया तो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तहत क्या ये आपने अभी अपनी ज़िंदगी में, आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस आदमी हैं, क्या आपने देखा कि इस तरह से दिए गए हों या एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर किए गए हों पैसे? देखिए लॉ जो है वो तो बड़ा इफेक्टिव लॉ है जी। उसकी वजह यह है कि यूनियन काउंसिल का नाजिम जो है वो आम तौर पे उसी इलाके का यानी कानूनन जो है जहाँ पे या दोनों इकट्ठे रहे हों या जहाँ पे खातून जो है वो अलग होकर रह रही है जी। तो इस वजह से वो चूँकि सियासी आदमी है, उसने वोट लेने हैं, तो वो आम तौर पर उन लोगों के हक़ में फ़ैसला देगा जो उसके इलाके में रहते हैं। तो वो उसके लिए उसकी जो रिवीजन है वो DUR के पास चली जाएगी। अगर वहाँ पे कुछ उसने ज्यादती की है तो वो वहाँ पे रेक्टिफाई हो जाएगी, लेकिन जब ऑर्डर मिल गया है तो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन, वो पैसे की रिकवरी जो है वो एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह अगर होनी है तो वो जो है वो DDUR के पास जाके ये एप्लीकेशन देंगे। और वो चूँकि सरकार के कामों में उसने पैसे सारे आम, अगर मैंने कोई सरकार का पैसा देना और मैं नहीं दे रहा तो वो मेरे से रिकवर करने के लिए वही ऑफिसर हैं, तो उनके पास जब ये एक आम आदमी का केस जाता है, अगर तो कोई अच्छा ऑफिसर बैठा है उसमें इंसानी हमदर्दी है तो वो उसको पेंस लेके तो वो जल्दी करवा देता है, स्पीडी काम करेगा, वरना थोड़ी देर लग जाती है। लेकिन ये है कि ये अगर वो आदमी यानी जो हस्बैंड है जिससे पैसे रिकवर होने हैं उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो फिर तो बड़ी आसानी से रिकवर हो जाता है, वरना उसको सिविल प्रिजन में भेजना और वो सारा वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता और या फिर उसकी तनख्वाह अटैच करना जहाँ पे वो नौकरी कर रहा है, ये सारे प्रोसेस जो है ये उसमें अवेलेबल होते हैं। और आमतौर पे मैंने तो ये देखा कि सर यहाँ पर एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम राहत है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कॉल की थी, मगर मुझे कोई जवाब तसल्ली बख्श नहीं दिया गया था जी। मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। जब हमारी शादी हुई थी तो उस टाइम निकाह नामा में ये शर्त दर्ज की गई थी कि 1 साल के अंदर अंदर मेरे शोहर मुझे मकान देकर देंगे, मेरे नाम मैं उनकी सेकेंड वाइफ हूँ, ठीक है। अभी तक उन्होंने मुझे कोई मकान लेकर नहीं दिया है और मेरे 2 बच्चे भी हैं अभी इस वक्त, ठीक है। मना करते हैं कि वो मुझे मकान लेकर नहीं देंगे, इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? अच्छा, एक बात मुझे बता दीजिएगा, मकान लिख कर देंगे आपने कहा, शादी की स्पेशल शरायत जो है उसका एक कॉलम होता है उसमें लिखा, क्या जो मकान जो है आपको कहा गया कि मकान देंगे, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन कोई बताया गया कौन सा मकान देंगे आपको? ये नहीं बताया गया था, बस सिर्फ इसमें यही लिखा गया है कि 20 कॉलर नंबर 20 है, इसमें लिखा है कि आया शादी के मौके पर मेहर नान नुक्ता वगैरह से मुतालिक कोई दस्तावेज तैयार की गई? जी बिल्कुल, मैं वो समझता हूँ, आप उसके हवाला मत दीजिए। आप ये बताइए कि उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई कि कौन सा मकान आपके नाम लगाया जाएगा? नहीं नहीं, ये नहीं, इसमें कुछ नहीं कहा गया था, बस ये कहा था कि 1 साल के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी वो मेरे नाम कर देंगे, यानी मकान की सूरत में या दुकान की सूरत में। हालांकि वो है काबिल के, वो कर सकते हैं, मगर वो अब नहीं करते, हम करते हैं इस बात से, लेकिन इनका नाम उनके नाम कोई मकान इस वक्त है मौजूद? नहीं, उनके नाम तो जो मकान था वो उन्होंने अपनी मिस को, मिसेस पहली मिसेस को गिफ्ट कर दिया। इस वक्त कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पे है?
हाँ जी, इनके नाम पर है, इनके दुकान है, मेडिकल स्टोर है ना, वो अभी इस वक्त खाली है, उनके ही नाम पर है। जी, थैंक यू वेरी मच राहत। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो इस सवाल के मुताबिक आपसे पूछना चाहूंगा कि इस तरह से फिल किया जाता है, कोई मालियत भी नहीं लिखी गई इसमें कि मकान दिया जाएगा, वो कितनी मालियत का होगा, क्योंकि वक्ती जब दिया जाएगा कोई मालियत नहीं है, फिर इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया कि एक मरले का मकान होगा, चार मरले का होगा, इस तरह से फिल, मतलब जो मेरी जो अकल कहती है, क्या ये इस तरह से नहीं है कि मतलब डिफ्रॉड किया जा रहा है कि आपने एक हवाई बात कर दी और बाद में जो है वो लेना बड़ा रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है? कानून को डिफ्रॉड करना इतना आसान काम नहीं है। कानून बड़ा, कानून ये कहता है कि अगर इस तरह की कोई वेग बात होगी जी, तो फिर आप जो है वो दोनों के सरकमस्टांसिस देख लेंगे कि उनका मुआशरे में क्या मुकाम है। अगर साहब जो है वो महीने में 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो वो कहें कि जी मैं एक मरले का मकान दूंगा, तो ये कोई बात नहीं मानेगा। उनके अपने जो है वो ज़िंदगी में हैसियत के मुताबिक ये देखना होगा कि क्या चीज़ वो लेके दे रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये खातून अगर चाहें तो ये सिविल कोर्ट में जाके दावा कर सकती हैं और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करेंगी, और शायद दुकान की अटैचमेंट की भी बात करेंगी, ये दुकान जो है वो जजमेंट से पहले जो है उसको अटैच कर लिया जाए, ताकि जो है ये बेचना नहीं, क्योंकि यही एक सोर्स है जी। इस पे सिर्फ इन्होंने ये देखना है कि जब अदालत में जाएंगी जो झगड़े बढ़ेंगे तो उसके बाद इनकी आइली जिंदगी पे क्या असरात होंगे, ये फैसला ये खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर ये समझें कि कोर्ट में जाना है तो सिविल कोर्ट में जाके ये इन्फोर्स इसको करवा सकती हैं और इनका हक जो है रिकवरी के लिए सूट फाइल करना पड़ेगा, रिकवरी के लिए। और साथ ये करेंगे कि ये दुकान मेरे नाम लगाएं, क्योंकि उन्होंने जो बताया कि कोई जायदाद जो है वो जायदाद तो दुकान भी हो सकती है, तो जब उनकी इनकम के सोर्स पे ज़्यादा पड़ेगी तो वो यकीनन इनको कोई घर इनके मुनासिब सा ले। और दूसरा सर, एक आपने बड़ी खूबसूरत बात की यहाँ पे कि इनकी आइली जिंदगी पे इनके फैमिली जो है वो किस तरह से फर्क पड़ेगा, ये बात डेफिनेटली आपकी बात दुरुस्त है, ये आप जरूर जहन में रखिएगा कि जब आप ऐसी चीज़ को इन्फोर्स कराने के लिए जाएंगे तो आपकी जिंदगी जो है वो ऑब्वियसली डेफिनेटली यहाँ पे जो कल्चर है हमारा वो जरूर डिस्टर्ब होगी। दूसरी बात जो है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा क्वेश्चन जो है आगे भी ईमेल्स के थ्रू भी हमें जो क्वेश्चन आया है वो भी दूसरी एक से ज्यादा शादी की सूरत में, इनके सवाल से भी कुछ यही नजर आता है कि इनके हस्बैंड जो हैं वो एतदाल जो है यानी इंसाफ जो है वो करने में जो है वो नाकाम नजर आते हैं। तो ऐसी सूरत में सर, एक से ज्यादा शादी की पर अगर आप थोड़ा सा वजाहत कर दें तो वो बहुत एक जनरल पब्लिक के लिए बेहतर। एक से ज्यादा शादी जो है वो, अब जाहिर है ये जो बता रही हैं इनकी मर्जी से इनके साथ शादी हुई है, इनको पहली शादी का भी पता था जी बिल्कुल, और उम्मीद यह है कि पहली शादी वाले जो हैं उनसे भी उन्होंने पूछा होगा। अब उसके बाद जो है वो देखना तो ये है कि उन्होंने जो इनसे वादे किए अगर ये पूरा नहीं करते तो ये तो कोई रेमेडी इनके पास नहीं है कि ये तलाक ले लें, फिर क्या करें, ये यानी आप शादी तो कर ली है, अब उसको तोड़ के जो है वो फिर आइंदा क्या किया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये दूसरी शादी करने से पहले इनके सोचने के काम थे, अब जो है अब तो जो हुआ हुआ उसमें ये देखना है कि अगर वो साहब जो है इनको इनकी चीज़ दे दें तो ज़्यादा बेहतर है कि सिक्योरिटी हो जाएगी औरत के पास एक, और वरना जो है वो अगर हम देखें कि दूसरी शादी के मामलात को देखें तो उसमें रेमेडीज़ यही हैं, एक ये तलाक ले सकती हैं, दूसरा जो है वो अगर, लेकिन वो तो पहली बीवी की रेमेडी होगी, इनके पास सवाय तलाक की और कोई रेमेडी नहीं है अगर दूसरी शादी पे इनको कोई एतराज़ है तो जी। लेकिन इनकी असल जो प्रॉब्लम है घर लेना या जायदाद लेना, उसके लिए इनको हमने बताया। सर जनरली आप क्या देखते हैं, क्योंकि अक्सर लोग हमें क्वेश्चन करते हैं कि कानून जो है वो दूसरी शादी से किस तरह से रोक सकता है, तो ऐसी सूरत में आप जनरली इसको कैसे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे? इससे पहले कि हम क्वेश्चन का आंसर करें, यहाँ प्रोग्राम में एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? अच्छा, अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ को हल्का कर दीजिएगा, हम आपको ठीक से सुन नहीं पाएंगे। जी, मेरा नाम आजम रंधावा है। जी जी, आप? और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी, आमिर साहब, अभी लास्ट टाइम 13 अक्टूबर को मेरे भाई हैं जो डाइवो ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुलाजम थे 99 से, जी, उनका अपने अफसरान खुरम मिर्जा और ताहिर वान के साथ कोई मामला चल रहा था। ठीक है, 6 जुलाई को इन्होंने इसको ऑफिस बुला के कलमा चौक के नजदीक फायरिंग करके इसे जख्मी किया। ठीक है, उसके बाद ये कोर्ट का मामला चल रहा था इसी पर्चे का जो हमने उन पर नामजद करवाया था जी, के 13 अक्टूबर को सेशन कोर्ट के बाहर से ताहिरवान और इनके साथियों ने इसे किडनैप करवा लिया। ठीक है जी, किडनैप करवाने के बाद हमने थाना इस्लामपुरा में एप्लीकेशन दर्ज करवाई कि हमारे भाई को किडनैप करवाया डाइवो ट्रांसपोर्ट कंपनी के अफसरान खुरम मिर्जा और ताहिरवान ने। ठीक है, इन्होंने थाना इस्लामपुरा ने कोई कार्रवाई ना की। उसके बाद हम कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने कंटेम्प्ट मूव की थाना इस्लामपुरा के एसएचओ के अगेंस्ट। ठीक है,
अच्छा उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं और आप अंदाजा लगा रहे कि 6 महीने गुजर गए हैं, हम लोगों का क्या हाल है कि भाई हमारा है भी है कि नहीं भी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये अदालतों का ये जो निज़ाम है, जैसे हमारे साथ हुआ है, हमारा भाई जो है वो पिछले 5-6 माह से लापता है और हम नामजद कर रहे हैं कि इन लोगों को जब अदालत में जा रहे थे तो इन्होंने उठवाया, बल्कि ये लोग खुद मौजूद थे वहाँ पे, तो उसके बावजूद हमारा पर्चा अभी तक क्यों नहीं दर्ज हो रहा, हमारी FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही? ठीक है। क्या वो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है या यहाँ हमारी फरियाद नहीं कुछ सुनेगा? मैंने ये गुजारिश कर अच्छा, सारी बातें मुझे आप एक बात सिर्फ बता दीजिएगा, आखिर आपका सवाल हम समझ चुके हैं, कॉज ऑफ डिस्प्यूट था क्या शुरू में, मतलब इस तरफ थोड़ा कुछ आप ये भी तो हमें बताइएगा कि जो डिस्प्यूट की मेन कॉज थी वो क्या थी? जी डिस्प्यूट उनका आपस में कोई तनाजा था कोई, ये मुझे नहीं पता कि उनका क्या मसला था। ये तो फायर लगने के बाद से फिर जब तक यहाँ तक मामला पहुंचा कि फायर का उनपे कोई नामजद उनके खिलाफ कार्रवाई होती या वो अपना अंदर होते या कोई इसका कोई रिजल्ट निकलता, उससे पहले उन्होंने उसे उठवा लिया और उसके बाद फिर अभी तक ना कोई पता चला उसका, ना कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई। बहुत शुक्रिया। मैं आज सवाल और पूछता हूं, कॉल करने का सेशन कोर्ट से क्या ऑर्डर हुआ था जी? जी, अगर आप इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं तो हमें ये बता सकते हैं कि सेशन कोर्ट में आपने बताया कि उस 13 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में से भी ऑर्डर हो गए, लाइन ड्रॉप हो गई है, काफी डिटेल में उन्होंने बताया हमें। जी, यहां पर एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? मैम मैं रहमान बात कर रहा हूं कराची से। जी रहमान साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर मैंने एक गाड़ी बॉट की फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, ठीक है? ठीक है। हेलो। जी जी सुन रहे हैं। मैंने वो गाड़ी CPLC एंड मोटर एंड एक्साइज एंड टैक्सेशन जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहां से रजिस्टर्ड करवाई गाड़ी, मतलब वहां से मैंने उसको टेली करवाया, गाड़ी क्लियर आ रही थी, ठीक है? ठीक है। And after that, मैंने वो 2-3 महीने चलाई and I have sold that car to a third party. All right. And on an open letter, ठीक है? ठीक है। And उसने भी जो mode of safety measures होते हैं वो clear करवाए गाड़ी के। ठीक है। ठीक है। And what happened कि this January 2011 के अंदर that car has been caught by ACLC, anti car lifting cell पे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। एंड उसके बाद ये हुआ कि वो उनका ये क्लेम है कि दिस कार हैज बीन टेम्पर्ड, ठीक है? ठीक है। उन्होंने इसकी लेबोरेटरी FLC समथिंग कुछ करवाया, इसके लेबोरेटरी टेस्ट करवाया, दैट कार हैज ओरिजिनली बीन टेम्पर्ड, वो पता चल गया दैट गाड़ी टेम्पर्ड है। ठीक है, आप पूछना क्या चाह रहे हैं प्लीज जरा ट्राई टू बी क्लियर। प्रॉब्लम इज दिस के वो थर्ड पार्टी जो है जिसको मैंने गाड़ी सोल्ड आउट की है, ही इज आस्किंग फॉर ऑल द कंपनसेशन, बट आई एम ऑल्सो अ बोनाफाइडी परचेजर, आई वाज ऑल्सो अ बोनाफाइडी परचेजर। जी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अब तक? कोई केस नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ मेरे खिलाफ, कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बट हो सकती है। What should I do? Like I should file a suit to some court और मैं क्या करूँ इसके लिए? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम समझ चुके हैं, अभी हम आपके जवाब की तरफ चलते हैं। जी सर, इससे पहले आज़म रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इस तरह से जो है वो कार्रवाई नहीं हुई इनके जो है, जो सिंपल मेरी समझ में आती है बात के कुछ पहले से डिस्प्यूट चल रहा था, 13 अक्टूबर लास्ट ईयर जो है किडनैप करवाया गया, अब तक उनका ये कहना है कि हमने नामजद भी किया मुलजिम को और उसके बाद अब तक जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि कंटेम्प्ट भी मूव करवाई है क्योंकि शायद FIR दर्ज नहीं हो सकी, शायद मुझे जो लगा मेरी समझ में बात आई वो यही आती है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में क्योंकि अब केस हमारा पेंडिंग है, अब तक कोई सिलसिला नहीं चल रहा, वहाँ पे भी उन्होंने मूव की होगी ऑब्वियसली, डायरेक्शन के लिए मूव किया होगा केस। तो इस सूरत में सबसे पहले तो मैं ये बताना मतलब पूछना चाहूँगा आपसे कि इस सूरत में जो है जिस तरह अक्सर हमारे केसेस में इस तरह से होता है कि लिटिगेशन पे लिटिगेशन पेंडिंग पे पेंडिंग 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 होता जा रहा है, तो इन सूरतों में जब नामजद कर दिया जाता है मुलजिम को तो उसके बाद क्या ये मतलब इस तरह से ज़रूरी हो जाता है कि जिसकी जिसको नामजद किया है वही मुजरिम है या कोई इस तरह का सिलसिला, क्या अदालतों में प्रिजम्पशन अटैच हो जाती है इस तरह से? इस तरह नहीं होता, देखें जो मैं इनकी बात से समझाऊं, सेशन कोर्ट से इनको को वाज़े ऑर्डर शायद नहीं मिला था, नहीं मिला था जी बिल्कुल, ये इस तरह हुआ होगा कि जी ये SHO को अप्रोच करेंगे और वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ काम करेगा जी। तो उसने फिर शायद अपने तौर पर तहकीक करके और उस तहकीक में उसने ये नतीजा निकाला होगा, ये मुझे नहीं पता अब दुरुस्त होगा कि गलत होगा, लेकिन नतीजा उसने ये निकाला होगा कि जी अगवा नहीं हुआ या इन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से उसने पर्चा काटने से FIR दर्ज करने से इनकार किया होगा, जिसके बाद इन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की और कंटेम्प्ट में भी कोर्ट ने यही कहा होगा कि जी आप चूँकि मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया कि ये पर्चा दर्ज किया जाए, मैंने तो ये ऑर्डर किया कि वो देखेगा इसको और कानून के मुताबिक करेगा,
तो जिसके बाद ये अब हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे 60 जज होने चाहिए वहाँ पे 28 लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ 28। बिल्कुल दुरुस्त है। अब वो जो है वो भी इंसान है, एक जज साहब जो हैं वो आजकल 40-45 अर्जेंट केसेस रोज उनके पास फिक्स होते हैं। अब ये बेचारे जो हैं ये हमदर्दी के मुस्तहिक हैं जो जिनका फोन आया था या और जो लिटिगेंट हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप जो है वो 60 लोगों का काम 28 लोगों से लेने की कोशिश करेंगे तो फिर डिले होगा, तो इसलिए अब इनकी प्रॉब्लम जो है वो तो अब इस वक्त ये है कि जो इनका केस है वो सुना जाए और उस पर फैसला हो। लेकिन इस तरह के और बहुत से केसेस भी इस वक्त पेंडिंग है और वो जो है वो भी इंतजार में है कि जी जब नए जज आएंगे तो फिर किया जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इनकी ग्रीवेंस जो है इस हद तक तो बड़ी मुनासिब है कि इनकी बात जो है वो सुनी जानी चाहिए, लेकिन उसका जवाब भी बड़ा मुनासिब है कि जब स्ट्रेंथ कम से कम चले पूरी ना भी हो कोई 70-80% जजेस आ जाएंगे। एक चीज़ उसे पूछना चाहूँगा कि हम देखते हैं सेक्शन 22A 22B जो है हमारा, जो उसके तहत हम डायरेक्शन लेते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के लिए, उसकी कितनी वैल्यू है? क्या जो स्टेशन हाउस ऑफिसर्स होते हैं वो बाउंड हैं उस डायरेक्शन के बाद FIR दर्ज करने के? अगर अगर कैटेगोरिकल ऑर्डर पास कर दिया गया है कि आप FIR दर्ज करेंगे तो फिर उसकी जरूरत नहीं है कि वो FIR दर्ज ना करेगा। लेकिन अगर ये होगा कि जी आप उधर जाएंगे अप्रोच करेंगे और ही विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो फिर वो जो लॉ अपने मर्जी वो कहता है जी मैंने तो इसको देख लिया, मेरी नज़र में तो ये पर्चा ठीक नहीं है। तो सबसे बेहतर जो सेशन कोर्ट के उन्होंने कहा कि ऑर्डर वो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कि उन्होंने ऑर्डर क्या किया था, कि मतलब इशू डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ किया गया या उसको डायरेक्ट किया गया कि FIR ही दर्ज की जाए। नहीं, अगर FIR दर्ज करने का ऑर्डर किया होता तो कंटेम्प्ट के बाद उसकी जरूरत नहीं थी कि वो FIR दर्ज ना करता। मेरा ख्याल है कि ऑर्डर के अंदर अपने अंदर कोई यानी थोड़ा सा वेग लगता है कि काम था कुछ जी। वो ऑर्डर से बात होगी, मजीद इसके बाद आप कुछ जानना चाहें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और मजीद अगर इस ऑर्डर के ऊपर बात करना चाहें तो आप ईमेल हमें डिटेल बता सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद अपने नेक्स्ट कॉलर के जवाब की तरफ चलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक।